अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अमरीकी लड़ाकू जहाजा के अलास्का तो उत्तरी कनेडा के हवाई खेत्र दाखिल हुई एक अणपछाती मानव रहित वस्तु को तबाह कर दिता है। अमरीकी राष्ट्रपति की सरकारी रिहायश और दफ्तर व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस संबंध में फैसला अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन और कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो विचाले फोन से हुई गलबात तो बाद लिया गया। इस तो एक दिन पहला ही अमरीकी लड़ाकू जहाज ने बाइडन के आदेश उत्ते अलास्का के उत्तरी तट के नेड़े लगभग 40,000 फुट की उचाई उत्ते उड़ रही एक छोटी कार दे आकार की वस्तु को नष्ट कर दिता है। अमरीकी रक्षा विभाग के हैडक्वाटर पेंटागन ने प्रेस सकत्र ब्रिगेडियर पेंट राइडर ने दसिया कि नॉर्थ अमरीकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने शुक्रवार देर शाम अलास्का दे एक वस्तु देखी सी। व्हाइट हाउस ने दसिया कि नोराड ने अगले 24 घंटे लिए वस्तु के नेड़ों निगरानी की राष्ट्रपति उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम द्वारा लगातार जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि बहुत ज़्यादा सावधानी के नाल दियां संबंधित फौजां दियां सिफारिशां अते बाइडन अते ट्रूडो ने इस नूं नष्ट करन दी इजाजत दिती। बाइडन ने इस मुहिम लई NORAD नूं सौंपे गए अमरीकी लड़ाकू जहाज ने कनेडा दे अधिकारियां नाल लड़ाकू जहाज दे यूक्रेन दे हवाई खेत्र च उड़ रही एक अणपछाती वस्तु नूं तबाह कर दिता है। अजे तक यह स्पष्ट नहीं हो सकिया कि यह वस्तु किन्नी उच्ची उड़ रही सी। FY लड़ाकू जहाज ने हुण तक 3 अजिहियां वस्तुआं नूं तबाह कर दिता है जिन्हां विचों घट्टो घट एक चीनी जासूस गुबारा भी सी, पर बाकी दे 2 वेरवे अजे तक जनतक नहीं हो सके।